मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दमोह उपचुनाव हारने पर कहा, दमोह हम हारे हैं अपने जयचंदों से। उन्होंने कहा, बंगाल में नौटंकी जीत गई, राष्ट्रवादी हार गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलनाथ जी का ध्यान वहां नहीं जा रहा है जहां देश से कांग्रेस साफ हो गई है। बंगाल में नौटंकी जीत गई, राष्ट्रवादी हार गए हैं। उन्होंने कहा, दमोह में हम अपने जयचंदों से हार गए हैं। मिश्रा ने कहा, हड्डी जुड़ने का यह नया तरीका देखा, परिणाम आने के बाद दीदी खड़ी हो गई। बंगाल में हम 3 से बढ़कर 78 हो गए। भाजपा का सभी राज्यों में वोट शेयर बढ़ा है, मोदी जी के नेतृत्व में वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। देखिए, बंगाल में, बंगाल जो है ना हमारा, बंगाल में नौटंकी जीत गई, राष्ट्रवादी लोग पिछड़ गए। नौटंकी से मेरा अभिप्राय, वो जो व्हील चेयर थी, परिणाम आए तो खड़ी हो गई। मैंने हड्डी जुड़ने का ये तरीका अलग ही देखा है, लेकिन वहां की जनता इस नौटंकी को नहीं समझ पाई। और कोरोना की वजह से बाद के 3 दौर का मतदान जो 60% से कम हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, ये लोग जो है, सभाएं रद्द करनी पड़ी कोरोना के कारण से, और ये उसी तरह से भीड़ के कार्यक्रम करती रही लोकल में। इन पे कोई मर्यादा नहीं थी। कल भी इनके विजय जलूस आपने देखे होंगे, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 2 प्रांतों में सरकार बनी, कहीं कोई विजय जलूस नहीं था, लेकिन पश्चिम बंगाल में निकाल रहे थे। अरे हम तो 3 से बढ़ के 78 हो गए। मिश्रा ने बताया, 18+ के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन आ गई है, हम और अधिक स्टॉक करने के लिए आवश्यक प्रबंध कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए सेंटर बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि ग्रामीण जनजाति इलाकों में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें, उनके भ्रम को दूर करें, वैक्सीन ही संजीवनी है। बड़ी नहीं है तारीख कोई भी, हमने कहा 2-3 विषय हैं उसमें। एक तो हम वहाँ से सेंटर चेंज करना चाहते हैं, अस्पतालों में न हो, क्योंकि अस्पतालों में हमारे कोविड के पेशेंट आते हैं तो एक अज्ञात संख्या में लोग कम आते हैं। दूसरा, उत्साह नौजवानों में काफ़ी है तो हम पर्याप्त मात्रा में उसका स्टॉक करना चाहते हैं। वैक्सीन आ गई है, ऐसा नहीं कि आई नहीं है, पर जो मात्रा आई है हम उसको इतनी चाहते हैं कि भीड़ ना लगे, क्योंकि हम भीड़ कहीं भी नहीं चाहते हैं। उसके सेंटर बढ़ा दें जिससे लोग अलग अलग भागों में बट जाएं। एक आप सबसे एक सहयोग चाहता था मैं, जैसे कांग्रेस ने पहले दिन से, विपक्षी दलों ने पहले दिन से टीका के बारे में भ्रम फैलाया, ये भ्रम हमारे ग्रामीण इलाकों में, खासकर जनजाति के इलाकों में ज़्यादा फैल गया है। हमें सबको टीके के लिए प्रेरित करना चाहिए कि ये टीका संजीवनी है, ये टीका ही हमें इस कोरोना से मुक्ति दिलाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर टीकाकरण में भाग लें। संगीत की स्वर लहरियों से, सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से, नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।